अच्छा, कल हमने क्या किया था? हमने किया था कि वी हैड स्टार्टेड टॉकिंग अबाउट इक्विलिब्रियम, ठीक है, रिवर्सिबल रिएक्शंस. आई टोल्ड यू देयर वर लॉट्स ऑफ रिएक्शंस दैट कैन गो बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन. दे आर रिप्रेजेंटेड बाय दीज डबल एरोज. और उसमें था कि सो वी हैड इवेपोरेशन एंड कंडेंसेशन कैन हैपन बोथ एट द सेम टाइम. कि अगर एक बॉटल है दैट्स क्लोज्ड, molecules can evaporate at the same time they can condense back again. And if the rate of the forward reaction and the rate of the backward reaction is equal, to uska matlab hai the reaction is at dynamic equilibrium. Okay, when the rate of forward reaction equals the rate of the backward reaction, to uske andar agar let's say every second two molecules evaporate and every second two molecules they condense back, so the net quantity of the reactants and the products, they don't change. Just hold on one second. हेलो, अस्सलाम वालेकुम. सॉरी, अच्छा यहां से हम स्टार्ट कर लेते हैं कि डायनामिक इक्विलिब्रियम का था कि रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल्स द रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन. और फिर हमने वो सारा पढ़ा था कि अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो, व्हाट हैपेंस इज कि वन ऑफ द रिएक्शन बिकम्स फास्टर देन द अदर वन. फॉर एग्जाम्पल, अगर आप इस कंटेनर को हीट करोगे तो इवेपरेशन जो है वो स्पीड अप कर जाएगी. इवेपरेशन इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, द वन दैट नीड्स एनर्जी. तो जब भी आप इंक्रीज करोगे टेम्परेचर, द वन दैट नीड्स एनर्जी विच इज द एंडोथर्मिक रिएक्शन, दैट स्पीड्स अप. और वाइस वर्सा कि अगर आप टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो व्हाट हैपेंस इज कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन स्पीड्स अप, द वन दैट रिलीजेस एनर्जी. विच इन दिस केस अगर आप इसको टेम्परेचर डिक्रीज करोगे तो कंडेंसेशन रिएक्शन जो होगा वो ज्यादा फास्ट हो जाएगा, ठीक है. और इसके फिर हमने एग्जांपल्स किए थे. आई टोल्ड यू कि यूजुअली जब भी ये एक रूल है इसका इक्विलिब्रियम का कि व्हेनेवर यू इंक्रीज टेम्परेचर. वैसे ठीक है, आवाज आ रही है? सही जी सर. अच्छा, so whenever you increase temperature endothermic reaction speeds up, or decrease temperature the exothermic reaction speeds up, theek hai, always. aur ye pani ka example tha ki agar temperature badhaoge to evaporation fast ho jayegi, agar temperature kam karoge to water ke example mein condensation fast ho jayegi.
कंडेंसेशन में एनर्जी लूज होती है, इवेपोरेशन में एनर्जी गेन होती है. तो ये एक रूल है जिसको हम अप्लाई कर सकते हैं टू एनी रिएक्शन. सो द ओनली डिफरेंस इज के हर दफा ना आपको यू हैव टू फिगर आउट व्हिच वन इज द एक्सोथर्मिक, व्हिच वन इज द एंडोथर्मिक. हर रिएक्शन के ना दो पार्ट्स होंगे, वन इज फॉरवर्ड द अदर वन इज बैकवर्ड. तो अगर आगे एंथैल्पी चेंज दी भी है ना, माइनस का मतलब है कि इट्स एक्सोथर्मिक. ये हमेशा फॉरवर्ड की लिखी होती है, ठीक है. दिस इज ऑलवेज फॉर, अच्छा दिस इज ऑलवेज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो ऑलवेज फॉर द फॉरवर्ड रिएक्शन. तो अगर ये जो एंथैल्पी एनर्जी चेंज जो लिखी होती है ना डेल्टा एच, ये हमेशा फॉरवर्ड रिएक्शन की लिखी होती है. नेगेटिव साइन का मतलब होता है एक्सोथर्मिक, ठीक है. एक्सहेल से याद रख लो कि एनर्जी रिलीज होती है उसमें. तो इसका मतलब है फॉरवर्ड रिएक्शन इज द वन दैट्स एक्सोथर्मिक, तो बैकवर्ड उसको उल्टा होता है, इट्स एंडोथर्मिक. तो अगर मैं डिक्रीज करूंगा टेम्परेचर तो कौन सा रिएक्शन फेवर होगा? एक्सोथर्मिक रिएक्शन जो है दैट इज गोइंग टू बी फेवर्ड. और एक्सोथर्मिक कौन सा वाला है? ये फॉरवर्ड वाला है इस केस में. तो आप ये डिफरेंट रिएक्शन के ऊपर कर सकते हो कि ये, फिर हमने एक और एग्जाम्पल किया था कि आई टोल्ड यू कि देयर इज दिस रिएक्शन. अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करते हो तो कौन सा रिएक्शन फेवर होता है? एंडोथर्मिक फेवर होता है. और पहले फिगर आउट करना एंडोथर्मिक है कौन सा. डेल्टा एच नेगेटिव दिया हुआ है तो इसका मतलब फॉरवर्ड इज एक्सो, तो बैकवर्ड इज द वन दैट्स एंडो. तो एंडोथर्मिक जो फेवर होगा दैट इज गोइंग टू बी द बैकवर्ड रिएक्शन, ज्यादा स्पीड में होगा. और भी एग्जाम्पल्स थे जो हम करते रहेंगे. फिर प्रेशर का था, वी डिड कि व्हेन यू चेंज प्रेशर, और ये सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है, ओनली गैसेस, क्योंकि वो कंप्रेसिबल होती है. प्रेशर से ना उन पे फर्क पड़ता है. सॉलिड्स एंड लिक्विड्स दे डोंट अंडरगो एनी चेंज व्हेन प्रेशर्स इंक्रीज और डिक्रीज. तो उसका एग्जांपल ये था कि जब आप प्रेशर बढ़ाओगे, वही वाटर वाला एग्जांपल था. प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि आप इसको पिस्टन को नीचे की तरफ मूव कर रहे हो, ठीक है. प्रेशर बढ़ाने का मतलब है कि यूर कंप्रेसिंग इट. अगर आप उसको नीचे की तरफ मूव करोगे, प्रेशर बढ़ाओगे, ज्यादा करोगे, तो गैस कम बनेगी क्योंकि जगह कम हो जाएगी. If you increase pressure, you're compressing it, you're decreasing the volume. So less gas would be formed. Because the space is reduced. And vice versa, if you reduce pressure, that means if you take it up to the top, then what will happen if you're moving it upwards? So in this case, we discussed that if you move it upwards, then the space will be more. And the gas molecules, water vapors, will be more. So there's going to be more gas formed. ठीक है, ये इसका रूल है कि इंक्रीज प्रेशर करोगे तो लेस गैस फॉर्म्ड. तो जिस साइड पे लेस गैस होंगे ना, वहां पे वो साइड फेवर होगी. और रिमेंबर, ओनली गैस, फोकस ऑन गैस. डिक्रीज करोगे प्रेशर तो मोर गैस विल बी फॉर्म्ड. तो यानी आपके पास दो साइड्स हैं. एक साइड पे लिक्विड है, देयर जीरो मोल्स ऑफ गैस. दूसरी साइड पे वाटर है इन वेपर फॉर्म, तो दैट्स वन मोल ऑफ गैस. तो अगर आप इसमें इंक्रीज प्रेशर करोगे तो लेस गैस फॉर्म होगी, लेस गैस इस साइड पे, रिएक्शन बैकवर्ड जाएगा. इफ यू डिक्रीज प्रेशर, एक्सपैंड, वॉल्यूम इंक्रीजेस, तो मोर गैस विल बी फॉर्म, यानी रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, दिस वन मोल ऑफ गैस. तो ये हम कर रहे थे इस तरह के एग्जाम्पल्स. तो इस तरह के और एग्जाम्पल्स कर लेते हैं कि ठीक है, बस दिमाग में बता लो कि प्रेशर इंक्रीज कर रहे हो तो कंप्रेस कर रहे हो, तो गैस कम बनेगी, जगह खत्म हो जाएगी. So here's another example. Sir? Yes. Phir wo gas molecules will turn into water molecules. Haan, matlab agar water wala example hai na, usme ye hoga na ki, matlab ye wala example tha na, ki agar tum isko upar se press karna shuru kar doge, to kya hoga, jagah khatam hoti jayegi, gas molecules kisme turn hoti jayenge, they'll turn into liquid water molecules, theek hai? Subhan, clear hai? Ji sir. यानी बैकवर्ड रिएक्शन. यानी रूल ये है कि व्हेन यू इंक्रीज प्रेशर, जो जिस साइड पे लेस गैस है ना, जहां पे कम गैस है, वो साइड फेवर होगी. लेस गैस मोल साइड वुड बी फेवर्ड. तो मोल्स काउंट कर लो गैस के, यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं? एक गैस का. यहाँ पे कितने मॉलिक्यूल्स हैं गैस के? जीरो. तो लेस गैस कौन सी साइड है? ये वाली साइड है. तो अगर प्रेशर बढ़ाओगे तो लेस गैस बनेगी, लिक्विड बन जाएगा. ठीक है, क्लियर है? जी सर. जी सर. अच्छा, तो इसी तरह और एग्जांपल्स कर लेते हैं कि I've got two SO2.
plus O2 in equilibrium with 2SO3. और ये सारे के सारे अच्छा ये सारे के सारे गैस है। अच्छा अब क्या कि मुझे तो कि मैं कर रहा हूं प्रेशर डिक्रीज, अभी ये इक्विलिब्रियम पे है, अब मैं प्रेशर डिक्रीज कर रहा हूं, कौन सी साइड फेवर होगी, मोर गैस लेस गैस? मोर गैस। अच्छा तो what's going to happen is more gas moles side is going to be favored. तो अब काउंट कर लो कि गैस के मॉलिक्यूल्स काउंट करो, इस साइड पे कितने हैं, दो, ठीक है, सिर्फ गैस के मॉलिक्यूल्स काउंट करने, और इस साइड पे गैस के मॉलिक्यूल्स कितने हैं, तीन, मतलब दो ये हैं और एक ये है, तो मोर गैस वाली साइड कौन सी है, वो बैकवर्ड है, ठीक है, तो इसका मतलब है बैकवर्ड रिएक्शन वुड बी इज गोइंग टू बी फेवर्ड, ज्यादा गैस बनेगी, नहीं ये तो क्लियर है कि डिक्रीज करोगे प्रेशर क्या होगा, कौन सी साइड फेवर होगी, ज्यादा गैस बनेगी कम गैस बनेगी, प्रेशर डिक्रीज करेंगे तो ज्यादा गैस बनेगी, ठीक है, क्योंकि जगह ज्यादा हो जाएगी, वो ऊपर की तरफ जा रहा होगा पिस्टन, ठीक है, तो ज्यादा गैस बनेगी ना, तो अब आपके पास रिएक्शन है, एक साइड है जहां पे मतलब अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे गैस के, दो, दो मॉलिक्यूल्स है ना, वन, क्लियर, रिएक्शन अगर बैकवर्ड जाता है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनेंगे गैस के, तीन, दो ये वाले और एक ये वाले, सर ये तीन कैसे बन रहे हैं मॉलिक्यूल्स, मतलब देखो अगर ये रिएक्शन बैकवर्ड जाता है तो इसके SO2 के कितने मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं, दो, और जी एक सर, और एक मॉलिक्यूल इसका भी बन रहा है O2 का, तो टोटल मिल मिला के कितने हो गए, तीन हो गए, जी सर सही है, ठीक है, क्लियर है, सुभान जी सर, सुभान क्लियर है जी सर, तो अब हमने कहा था कि जब प्रेशर डिक्रीज करते हो तो गैस ज्यादा बनती है, मोर गैस मोल साइड इस फेवर, ज्यादा गैस बनेगी तो बैकवर्ड में ज्यादा बनेगी, मतलब रिएक्शन अगर ये वाला रिएक्शन ज्यादा होगा ना तो क्वांटिटी ऑफ गैस ज्यादा हो जाएगी, क्योंकि टू मॉलिक्यूल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू थ्री मॉलिक्यूल्स, फॉरवर्ड अगर जाएगा ना तो कम हो जाएगी गैस, थ्री मॉलिक्यूल्स विल गेट कन्वर्टेड इनटू टू मॉलिक्यूल्स, सो द बैकवर्ड रिएक्शन वुड बी इज गोइंग टू बी फेवर्ड। अच्छा इसी तरह लेट्स से आई हैव गॉट कोक वाला एग्जाम्पल कर लेते हैं कि वो पेप्सी नहीं होती, उसमें ना ये चल रहा होता है, उसमें H2CO3 कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है, और वो इन इक्विलिब्रियम विद लेट्स से कोक बॉटल अभी बंद है, इक्विलिब्रियम के ऊपर है, अच्छा ये एक्वस है, पानी में डिसॉल्व, ये लिक्विड है और ये CO2 गैस है, अच्छा कोक बॉटल जो है ना वो हाई प्रेशर पे है, तो मैं अगर उसका प्रेशर इंक्रीज करूं तो मुझे बताओ कि कौन सी साइड फेवर होगी, लेस गैस मोर गैस, लेस गैस, अच्छा तो इसका होगा लेस गैस, यानी लेस गैस बनेगी, अच्छा लेस गैस मोल्स बनेगी, तो अब देखना है कि लेस गैस किस साइड पे, इस साइड पे कितने गैस के मॉलिक्यूल्स हैं, कोई भी नहीं है ना, तो जीरो, मतलब अगर रिएक्शन बैकवर्ड जाता है ना तो फिर तो कोई गैस बनेगी नहीं, क्योंकि है ही नहीं गैस, जीरो मोल्स ऑफ गैस, ये तो एक्वस है, ठीक है, और अगर रिएक्शन फॉरवर्ड जाता है तो कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं गैस के, एक बनता है, तो हमने कहा कि जब इंक्रीज करोगे ना प्रेशर तो लेस गैस मोल साइड वुड बी फेवर्ड, यानी बैकवर्ड रिएक्शन फेवर होगा, इज दिस क्लियर, जी सर, अच्छा सो बैकवर्ड रिएक्शन इज गोइंग टू बी
इट्स गोइंग टू बी फेवर्ड. और वही होता है कोक हाई प्रेशर पे होता है तो कार्बोनिक एसिड होता है, जैसे आप उसका ढक्कन खोलते हो ना ऊपर से तो वो लो प्रेशर पे चली जाती है, यानी उसका प्रेशर जो है वो डिक्रीज हो जाता है. तो जैसे आप उसका ऊपर से ना कैप ओपन करते हो प्रेशर डिक्रीज हो जाता है. वो ऊपर से प्रेस हो रहा था लेकिन अब आपने ऊपर से खोल ही दिया उसे तो प्रेशर रिलीज हो गया, डिक्रीज प्रेशर. इफ यू डिक्रीज प्रेशर कौन सी साइड फेवर होगी, मोर गैस बॉल साइड. जो कि इस पर्टिकुलर केस में फॉरवर्ड है. तो एकदम से ना आपको कार्बन डाइऑक्साइड के बबल्स नजर आना शुरू हो जाएंगे क्योंकि रिएक्शन जो है वो एकदम से फॉरवर्ड जाना शुरू हो जाएगा, ठीक है. और वो सारा का सारा जो आपका एसिड है ना दैट विल स्टार्ट टर्निंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड गैस. यानी वो प्रेशर की वजह से ना कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है ना वो पानी में डिजॉल्व थी, ठीक है, वो उसका उसके साथ मिली हुई थी. जैसे ही प्रेशर रिलीज हुआ है तो मोर गैस वुड बी फॉर्म्ड, तो गैस फॉर्म होना शुरू हो जाती है, ठीक है. इज दिस क्लियर? क्लियर है? यस सर. अच्छा अब तीसरे पे आ जाते हैं, पॉइंट नंबर थ्री. द रूल इज इफ यू इंक्रीज, इफ यू इंक्रीज और डिक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ पर्टिकुलर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, अच्छा ऑफ अ रिएक्टेंट then equilibrium tries to do the opposite. ठीक है, ये आपका ना अगला रूल है कि आप किसी भी चीज को ज्यादा करोगे या कम करोगे, इक्विलिब्रियम उसका ऑपोजिट करेगा. यानी बेसिकली आप अगर ज्यादा कर रहे होगे ना तो वो कम करने की कोशिश कर रहा होगा, और आप अगर कम कर रहे होगे तो वो ज्यादा करने की कोशिश कर रहा होगा. इसके पीछे लॉजिक क्या है? इसके पीछे ये कि वाटर वाले एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है, और वो कंटेनर के अंदर ना इक्विलिब्रियम पे है. यानी यू हैव, अच्छा, यू हैव गॉट वाटर मॉलिक्यूल्स, लिक्विड स्टेट, ये सारे वाटर मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है, वो कॉन्स्टेंटली इवेपोरेट हो रहे हैं and they're forming, all of them are forming water vapors and they're constantly condensing back. The reaction jo hai abhi filhal equilibrium mein, you've got liquid water turning into water vapors and back again, reaction back and forth chal raha hai, theek hai. Ek bottle hai band hai, uske andar pani evaporate hota hua nazar nahi aa raha, lekin wo constantly evaporate ho raha hai, but at the same time it's constantly condensing back again. Now the issue is के let's say मैं एकदम से ना, इसका क्या मतलब, increase or decrease concentration of a reactant or product. अच्छा, एकदम से ना मैं अंदर जाता हूँ और कोई device से ना मैं सारे water vapors remove कर लेता हूँ. तो मैंने क्या किया, what I've done is, now listen carefully, what I've done is I've removed all the water vapors, मतलब खत्म ही कर दिए. मुझे बताओ कौन सा reaction, अच्छा मैंने I've removed the water vapors, ठीक है, तो मैं यहां लिख रहा हूं कि आई हैव रिमूव्ड ऑल वाटर वेपर्स और मैंने वो ढक्कन फिर से बंद कर दिया. अब मुझे बताओ कौन सा रिएक्शन होना रुक जाएगा और कौन सा रिएक्शन अभी भी हो रहा होगा. इवेपोरेशन को कोई फर्क पड़ेगा? कि अगर मैं सारे वाटर वेपर्स रिमूव कर दूं will there be any evaporation to nahi aayegi na? Haan, nahi, evaporation rukegi ya chalti rahegi? Evaporation ruk jayegi. Kyun rukegi? Liquid water molecules hain to wo to abhi bhi evaporate ho sakta hai na. So water to remove nahi kar diya aapne. Hamza, ek second main batata hu. Nahi, maine ye लिक्विड वाटर वेपर अभी भी पड़ा हुआ है, मैंने तो वो वेपर रिमूव किया ना, ठीक है, तो फिर होती रहेगी. हाँ, तो इवेपोरेशन तो चलती रहेगी, मतलब इवेपोरेशन में तो कोई मसला नहीं होगा. जी, इवेपोरेशन चलती रहेगी.
कौन सा रुक जाएगा, कंडेंसेशन हो सकती है, मतलब कंडेंसेशन नहीं हो सकती ना, तो मतलब ये वाला रिएक्शन, क्योंकि अब वो वाटर वेपर्स ही नहीं है तो कंडेंस करेगी क्या चीज, कोई चीज है ही नहीं कंडेंस करने के लिए, ठीक है। अच्छा, सो द पॉइंट इज कि अगर मैं सारे, इफ आई रिमूव ऑल द वाटर वेपर्स, इनमें से एक रिएक्शन चलता रहेगा, एक रिएक्शन रुक जाएगा, ठीक है। कौन सा रिएक्शन? लिक्विड वाटर टू वाटर वेपर्स, इवेपोरेशन चलती रहेगी, वो फेवर होगी। दूसरा रिएक्शन जो है वो फेवर नहीं होगा, वो रुक जाएगा, ठीक है। याद है, क्लियर है? Yes, sir. अच्छा, अब इवेपोरेशन से होगा क्या, वाटर वेपर्स दोबारा बन जाएंगे, ठीक है। और जब वाटर वेपर्स दोबारा बनेंगे, इक्विलिब्रियम दोबारा स्टार्ट हो जाएगा, वो बैकवर्ड कंडेंसेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो हुआ क्या, आई रिमूव्ड ऑल द वाटर वेपर्स, व्हाट डिड द इक्विलिब्रियम डू? इक्विलिब्रियम फेवर्ड दैट रिएक्शन दैट इंक्रीज द वाटर वेपर्स, यानी मैं रिमूव कर रहा था वो उसको दोबारा से ज्यादा कर रहा था, सो इक्विलिब्रियम फेवर्ड दैट रिएक्शन that increase water vapors. तो equilibrium opposite करेगा, तो मैं फिर से कर रहा हूँ, मैं जाता हूँ अंदर, मैं सारे water vapors remove कर देता हूँ, ठीक है, removed all the water vapors, ढक्कन मैंने फिर बंद कर दिया, condensation रुक गई, evaporation अभी भी चल रही है, तो water vapors दोबारा बन जाएंगे, तो इसका मतलब है मैं water vapors कम करने की कोशिश करूंगा, वो दोबारा ज्यादा कर देगा, ठीक है। इट्स गोइंग टू अपोज व्हाटएवर आई डू, कि मैं इंक्रीज और डिक्रीज करूंगा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, द इक्विलिब्रियम वुड ट्राई टू डू द ऑपोजिट। ये बात क्लियर है? नो सर। ये देखो मैं क्या कर रहा हूँ वाटर वेपर्स को, सवाल मैंने वाटर वेपर्स हटा दिए ना सारे, हटा दिए, मुझे तो कौन सा रिएक्शन दोनों में से अब बंद हो जाएगा, लिक्विड टू गैस नहीं होगा, नहीं लिक्विड टू गैस तो हो सकता है, लिक्विड गैस टू लिक्विड नहीं होगा, तो ये वाला नहीं होगा ना, ठीक ये वाला तो हो सकता है ना अभी भी। अच्छा तो रिमेंबर मैंने क्या किया, आई हैव रिमूव्ड ऑल द वाटर वेपर्स, ठीक है। तो अगर इवेपोरेशन चलेगी तो इवेपोरेशन क्या करेगी, वाटर वेपर्स दोबारा नहीं बन जाएंगे, बन जाएंगे, तो मतलब इस पूरी स्टेटमेंट का ये मतलब है कि मैं जो कुछ मैं करूंगा ना वो उसको ऑपोजिट करेगा, मैं अगर एक चीज को खत्म करूंगा वो उसको दोबारा बना देगा। Do you get the point? जी सर, तो if we remove water itself और gas रहने दें। अच्छा ठीक है, वो कर लेते हैं। अगर हम remove करेंगे ना liquid water, अगर हम remove करेंगे, कम करेंगे, तो वो ज़्यादा करने की कोशिश करेगा, ठीक है? तो let's say मैंने सारा liquid water ही डाल दिया, अब मुझे तो कौन सा reaction रुक जाएगा? अब liquid to gas। Evaporation नहीं होगी। कंडेंसेशन तो होगी ना, तो कंडेंसेशन हो गया वो दोबारा लिक्विड वाटर बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मतलब कंडेंसेशन चल रही होगी तो वो वापस थोड़ा बहुत बन जाएगा, या उसकी कोशिश, एट वन पॉइंट सारे गैस लिक्विड नहीं बन जाएंगे, नहीं वो लिक्विड बनेगा, तो लिक्विड के बाद वो दोबारा से इवेपोरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी ना, सही, तो फिर वो होगा इक्विलिब्रियम रीच हो जाएगा, यानी वो रिएक्शन ना एक डायरेक्शन में जाएगा नहीं, वो अगर लिक्विड बन जाएगा ना तो लिक्विड साइकिल चलता रहेगा, हाँ वो लिक्विड से फिर ना मतलब पहले तो चलो अभी तो इवेपोरेशन नहीं होगी, लिक्विड नहीं है ना, ठीक है, वो ऐसा ऐसा करके कंडेंसेशन शुरू होगी और लिक्विड बनना शुरू हो गया, जैसे ही लिक्विड बनेगा तो साथ ही इवेपोरेशन भी स्टार्ट हो जाएगी, तो फिर वो इक्विलिब्रियम दोबारा रीच हो जाएगा, ठीक है। तो द होल पॉइंट इज कि मैं कुछ भी करूंगा ना, मैं उसे कम करूंगा ज्यादा करूंगा, इक्विलिब्रियम वुड डू द ऑपोजिट, इक्विलिब्रियम उस रिएक्शन को फेवर करेगा जो उल्टा करे, जो मैं कर रहा हूं उसको ऑपोजिट करे, ठीक है। फॉर एग्जांपल आई टेक दिस रिएक्शन, अब और ये सारे गैसेस हैं, so let's say I decrease the concentration of H2, अच्छा remember मैं decrease कर रहा हूँ, तो equilibrium क्या करेगा, उल्टा करेगा,
द इक्विलिब्रियम वुड ट्राई टू इंक्रीज इट. यानी वो और ज्यादा एच टू बनाने की कोशिश करेगा इक्विलिब्रियम, वो ट्राई टू इंक्रीज एच टू कॉन्सेंट्रेशन. तो मुझे तो कौन से रिएक्शन में एच टू ज्यादा होगा, बैकवर्ड में या फॉरवर्ड में? मतलब ये एच टू पड़ा हुआ है, हम उसको कम कर रहे थे, इक्विलिब्रियम उसको ज्यादा करने की कोशिश करेगा, ऑपोजिट करने की कोशिश करेगा. इसका मतलब बैकवर्ड रिएक्शन फेवर करेगा क्योंकि बैकवर्ड में एच टू बन रहा है. Is this clear? Yes, sir. ठीक है, ये exactly वही वाला कि अगर मैं किसी चीज रिमूव करता हूँ वो उसको दोबारा ज्यादा करने की कोशिश करता है. तो इधर भी मैं H2 को रिमूव कर रहा हूँ तो इक्विलिब्रियम क्या करेगा, इट वुड ट्राई टू डू द ऑपोजिट, इट वुड ट्राई टू इंक्रीज इट. तो बैकवर्ड में ना वो और ज्यादा बनाएगा उसको, H2 की क्वांटिटी ज्यादा करेगा. सो इज दिस क्लियर? जी सर. ठीक है, रूल याद रखो सिंपल कि आप क्वांटिटी कम या ज्यादा करोगे उसे उल्टा करना है. इसी के तहत वापस अगर लेट्स से आई इंक्रीज NH3 कॉन्सेंट्रेशन, तो मैं अपना इसको रब कर देते हैं पिछले वाले को. अच्छा, so I've increased the NH3 concentration. Equilibrium क्या करेगा? Equilibrium would do the opposite. तो it's going to हम increase करें तो equilibrium जो है ना वो decrease करेगा. अच्छा, वो try to decrease NH3 concentration. अच्छा, अब डिक्रीज करेगा तो किस साइड पे करेगा डिक्रीज? अगर फॉरवर्ड जाएगा तो NH3 तो और ज्यादा बन जाएगा, तो फॉरवर्ड नहीं जाना चाहिए क्योंकि इक्विलिब्रियम ने डिक्रीज करना है. तो इसका मतलब बैकवर्ड वो NH3 को ना कन्वर्ट करना शुरू कर देगा N2 और H2 में, तो उसको कम करना शुरू कर देगा, उसको इन दो चीजों में कन्वर्ट करना शुरू कर देगा. सो इफ आई इंक्रीज द NH3 कॉन्सेंट्रेशन द इक्विलिब्रियम वुड ट्राई टू डू द ऑपोजिट, इट वुड ट्राई टू डिक्रीज द NH3 कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है, और तो ये आपके पास सारे रूल्स हैं. इन रूल्स को ना हम एक जगह पे लिख लेते हैं, इसको ली शैटलर प्रिंसिपल कहते हैं. ठीक है, ये जितने भी रूल्स हमने पढ़े ना, आई एम गोइंग टू राइट देम डाउन इन इन वन प्लेस और कंबाइन. दिस इज नोन एज द ली शैटलर प्रिंसिपल. अच्छा, ली शैटलर प्रिंसिपल होता है कि इक्विलिब्रियम अपोजेस एनी चेंज दैट्स इंट्रोड्यूस्ड टू द सिस्टम. मतलब ये प्रिंसिपल का नाम है और जो कुछ हमने पढ़ा है ये प्रिंसिपल है. ठीक है, एनी चेंज दैट्स इंट्रोड्यूस्ड अच्छा, ये इक्विलिब्रियम ना, इक्विलिब्रियम का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये हर जगह पे दुनिया में एग्जिस्ट करता है. ठीक है, मतलब हर उसके अंदर फील्ड के अंदर एग्जिस्ट करता है. ठीक है, मतलब फॉर एग्जांपल आप एक हाईवे बना रहे हो तो वो भी इक्विलिब्रियम पे होती है मोस्ट ऑफ द टाइम. ठीक है, कि जितने लोग इधर से आ रहे होते हैं उतने ही लोग उधर जा रहे होते हैं, तो इट्स एट इक्विलिब्रियम. ठीक है, तो आप इसको ना कहीं पे भी ना अप्लाई कर सकते हो. अगर प्लैनेट के ऊपर बारिश हो रही है तो जितनी इवेपोरेशन हो रही है उतनी फिर बारिश भी हो रही है. मतलब ये नहीं होगा कि बस इवेपोरेशन ही हो जा रही है और ऊपर से फिर बारिश नहीं हो रही. ठीक है, तो ऑलमोस्ट एवरीथिंग ऑन प्लैनेट अर्थ, एवरी सिस्टम इज काइंड ऑफ इन एन इक्विलिब्रियम. ठीक है, और मतलब पैसे हैं उसके ऊपर, इकोनॉमिक्स के ऊपर भी हर जगह इक्विलिब्रियम, इंडिविजुअल बेसिस पे, कि मैं जितने पैसे खर्च कर रहा हूँ उतने पैसे वापस भी आ रहे हैं. ठीक है, मैं अर्न कर रहा हूँ, तो इट्स एवरीथिंग इज एन इक्विलिब्रियम. ठीक है,
और इक्विलिब्रियम जो होता है वो शिफ्ट करता है फॉरवर्ड बैकवर्ड शिफ्ट करता है, ठीक है, कोई एक रिएक्शन या एक साइड फेवर होती है दूसरी साइड, तो इक्विलिब्रियम मूव करता है, इक्विलिब्रियम पोजीशन शिफ्ट होती है, ठीक है। अच्छा, सो द रूल्स आर, नंबर वन टेम्परेचर वाला रूल क्या था, सारे रूल्स हम इकट्ठे लिख रहे हैं, कि यू इंक्रीज टेम्परेचर तो उसका हमने पढ़ा था कि कौन सा रिएक्शन फेवर होता है, एंडोथर्मिक, वो आपको ढूंढना पड़ेगा कौन सा एंडोथर्मिक है, फॉरवर्ड है या बैकवर्ड है। अच्छा, सेकंड रूल था कि यू डिक्रीज प्रेशर, यस इंक्रीज में एक्सोथर्मिक है, नहीं डिक्रीज में एक्सोथर्मिक था, मैं जाके वो दिखा देता हूँ, वो इवेपोरेशन और उसके ना डिक्रीज टेम्परेचर तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन इज गोइंग टू बी, इट्स गोइंग टू बी फेवर, ठीक है, मतलब वो है कि इधर ही बता देता हूँ, इंक्रीज करते हो टेम्परेचर तो कौन सा, इवेपोरेशन तेज हो जाती है ना, इवेपोरेशन इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन, इवेपोरेशन वो रिएक्शन जिसको एनर्जी चाहिए तो वही तेज होगा ना, क्योंकि आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो, आप एनर्जी दे रहे हो, तो ऑटोमेटिकली इट्स गोइंग टू बी, हमजा इट डिपेंड्स ऑन द क्वेश्चन, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा कौन सा रिएक्शन है, ठीक है, कि मतलब वो हर दफा ना वो डेल्टा एच देख के ना, मतलब इधर मैं बता देता हूँ कि चेक द डेल्टा एच ऑफ द रिएक्शन इन एंथैल्पी चेंज फॉर डायरेक्शन, अगर नेगेटिव साइन दिया हुआ इसका मतलब है फॉरवर्ड वाला नेगेटिव है, एक्सोथर्मिक है, अगर पॉजिटिव दिया हुआ एनर्जी का साइन तो इसका मतलब है फॉरवर्ड वाला एंडोथर्मिक है। अच्छा, तीसरा पॉइंट था कि वो प्रेशर का था कि इंक्रीज करते हो प्रेशर, दिस ओनली अप्लाइज टू गैसेस, तो क्या था लेस गैस मोल, मतलब आपने सिर्फ गैस के मोल्स काउंट करने हैं, दोनों साइडों में देखती है कि कितनी गैस है, एक साइड पे अगर दो मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, दूसरी साइड पे तीन है, तो लेस गैस दो मॉलिक्यूल्स वाली साइड होगी, तो लेस गैस मोल साइड इज फेवर्ड। नंबर फोर इज इफ यू डिक्रीज प्रेशर वाइस वर्सा, तो मोर गैस मोल साइड इज गोइंग टू बी, यानी ज्यादा गैस बनेगी, कोक को आप ओपन करते हो आप प्रेशर डिक्रीज करते हो तो एकदम से गैस ज्यादा बनती है। नंबर फाइव जो था वो उसका कॉन्सेंट्रेशन का था, वो एक ही पॉइंट लिख लेते हैं, यू इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट, इक्विलिब्रियम वो ट्राई टू अपोज दैट, वो ट्राई टू डू द ऑपोजिट, तो आप अगर इंक्रीज कर रहे हो एंड वाइस वर्सा, तो आप अगर इंक्रीज कर रहे हो तो उसकी कोशिश होगी कि वो डिक्रीज करे, तो आप खुद ही सोच लो कि कौन सा रिएक्शन है जिसमें वो डिक्रीज होगा, आप अगर एक चीज को डिक्रीज करोगे तो वो उसकी कोशिश होगी, इट विल ट्राई टू इंक्रीज दैट, सो दैट्स योर ली शैटलर प्रिंसिपल। इसके क्वेश्चन में सेंड कर देता हूँ, एक सेकेंड, equilibrium assignment just a second, थोड़ा सा यहां पे कर लेते हैं 5 मिनट में। अच्छा, केमिकल इक्विलिब्रियम के, हाँ ये वाला कर लेते हैं कि, अच्छा रिमेम्बर डेल्टा एच दिया हुआ है माइनस में, तो इसका मतलब है कि फॉरवर्ड जो है ना दैट इज एक्सो, ठीक है, फॉरवर्ड इज द वन दैट्स एक्सो, अगर वो माइनस में दिया हुआ है, और बैकवर्ड जो होगा ना वो फिर उसका उल्टा होगा, दैट वुड बी द वन दैट वुड बी एंडो। तो पहले बताओ कि इफ यू एड मोर ऑक्सीजन, रिमेम्बर इसका एक्सो और एंडो का ताल्लुक सिर्फ टेम्परेचर के साथ है, If you add more oxygen, equilibrium क्या करेगा, इक्विलिब्रियम ने ऑपोजिट करना है,
अगर आप ऑक्सीजन ऐड करो ना, इक्विलिब्रियम विल ट्राई टू रिमूव ऑक्सीजन या डिक्रीज ऑक्सीजन. तो which reaction would be favored? If you add more oxygen, equilibrium उल्टा करेगा. It will try to decrease oxygen. Oxygen decrease किस side पे होगी? Forward में या backward में? Backward में तो और ज़्यादा बन जाएगी. अगर backward होगा तो और ज़्यादा oxygen बनेगी. Forward होगा तो oxygen gets used up. तो इसमें क्या होगा? Forward reaction. Is this clear? Can you explain? नहीं देखो, आप ऐड करो ऑक्सीजन तो हमने क्या पढ़ा था कि अगर आप एक चीज ज्यादा करोगे वो क्या करेगा? कम करेगा जी. So, तो ऑक्सीजन को कम करना है ना, तो ऑक्सीजन को अगर कम करना है तो कौन से रिएक्शन में ऑक्सीजन कम होगी? बैकवर्ड में. बैकवर्ड में तो और ज्यादा हो जाएगी ऑक्सीजन. फॉरवर्ड में. तो फॉरवर्ड, तो ये वाला रिएक्शन फेवर होगा. क्लियर है? Okay. अच्छा तो अच्छा, सेकंड इंक्रीज इन प्रेशर. प्रेशर इंक्रीज करते हो तो गैसेस का आ जाता है कि इंक्रीज इन प्रेशर तो कौन सा होगा? लेस गैस मोल साइड. कौन सी वाली साइड लेस गैस मोल्स वाली है? इधर दो मोल. राइट साइड. ठीक है, तो राइट साइड यानी फॉरवर्ड. तो इसको ना या तो आप लिखते हो कि फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाता है, आप कहते हो कि इक्विलिब्रियम पोजीशन मूव्स टू द राइट, कि इक्विलिब्रियम मूव्स टू द राइट या फेवर्स द राइट साइड या फेवर्स द प्रोडक्ट्स. ठीक है, तो फॉरवर्ड रिएक्शन राइट. अच्छा, टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं कौन सा होता है? एंडोथर्मिक एक्सोथर्मिक. एंडो होता है टेम्परेचर जब इंक्रीज करते हो ना, तो इट्स गोइंग टू बी द एंडोथर्मिक रिएक्शन जो के बैकवर्ड है. एंडो जो है ना इस केस में, इट्स द बैकवर्ड रिएक्शन. क्लियर है? और फाइनली जो आखिरी है ना, ये पिछला सारा क्लियर है? सुभान क्लियर है? हमजा क्लियर है? जी. अच्छा अच्छा, लास्ट वाला वो कह रहे SO3 रिमूव कर दो तो इक्विलिब्रियम उल्टा करेगा. इट विल ट्राई टू इक्विलिब्रियम जो है ना, इट विल ट्राई टू मेक इक्विलिब्रियम विल मेक मोर SO3. एंड हाउ कैन इट मेक मोर SO3? अगर फॉरवर्ड जाए, फॉरवर्ड जाएगा तो SO3 बनाएगा वो. ठीक है, जिसका मतलब है ये लास्ट वाला भी फॉरवर्ड है. तो तीन रिएक्शंस के अंदर ना फॉरवर्ड फेवर हो रहा है. ये बस सिर्फ ये जो एंडो वाला नहीं है, इसके अंदर बैकवर्ड फेवर हो रहा है. तो उसे कहा था कि यील्ड आउटपुट होती है, यील्ड कम करनी है, डिक्रीज करनी है, तो बैकवर्ड में डिक्रीज होगी, बैकवर्ड में SO3 कम बनेगा. इज दिस क्लियर? बाकी सारों में तो फॉरवर्ड जाएगा तो वो और ज्यादा SO3 बन जाएगा. तो इसलिए आंसर जो है ना वो सी है, क्योंकि वो कह रहा था कि बस वही स्पेसिफिक के SO3 कम बनाना है, उसकी यील्ड, उसकी आउटपुट जो है वो कम होनी चाहिए. सो इज दिस क्लियर? यस सर. ठीक है, सुभान क्लियर है? हमजा? यस सर. अच्छा, तो ये तीन चीजें ये बस पहले याद कर लो. एक तो SO2, O2, N2, इन्हीं के ऊपर क्वेश्चंस आ रहे होते हैं. ये वाला एक जल्दी से कर लेते हैं. The forward reaction is endothermic. Which of these changes? अच्छा, उसे खुद ही कह दिया. Forward reaction is endothermic. ठीक है, ये जल्दी से कर लें. तो the forward is endo. तो उसका मतलब है कि backward जो है ना, that's the exo. ठीक है, तो वो कह रहे हैं increase करना है yield of NO2. यानी हमने इसको फॉरवर्ड लेके जाना है, फॉरवर्ड भेजना है. ठीक है, मतलब उसको इधर कर लेते हैं, हमने इस फॉरवर्ड भेजना है. प्रेशर क्या होना चाहिए? कम होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए? अगर मैं प्रेशर, किस साइड पे लेस गैस है, किस साइड पे मोर गैस है? इधर 2 moles है और इधर खाली 1 molecule है, तो देयर इज लेस गैस. तो अगर मैं डिक्रीज करता हूँ प्रेशर तो क्या होगा? मोर गैस बनेगी ना, तो फॉरवर्ड जाएगा. तो ए और बी में ये दोनों ठीक हो सकते हैं, डिक्रीज करना है प्रेशर. इज दिस क्लियर? कि व्हेनेवर डिक्रीज प्रेशर मोर गैस वुड बी फॉर्मड. तो और उसने कहा है कि फॉरवर्ड लेके जाना है उसका, यू हैव टू इंक्रीज द यील्ड ऑफ NO2, इसको फॉरवर्ड भेजना है. ठीक है. अच्छा, टेम्परेचर को क्या करना है?
फॉरवर्ड में एंडो है, फॉरवर्ड में एंडो है, एंडो कब फेवरेट होता है जब टेम्परेचर हाई होता है, तो यू गोइंग टू इंक्रीज टेम्परेचर. जब आप इंक्रीज करते हो ना टेम्परेचर, तो एंडोथर्मिक फेवर होता है जो कि फॉरवर्ड है. तो उससे क्वेश्चन में कहा था इसको आगे की तरफ भेजना है, यू हैव टू मूव इट फॉरवर्ड. ठीक है, यू हैव टू इंक्रीज द अमाउंट ऑफ NO2. तो इन दो तरीकों से ना द अमाउंट ऑफ NO2 वुड इंक्रीज. सो द आंसर वुड बी बी. सी, इज दिस क्लियर? ये क्लियर है? Yes. चलिए ठीक है, लेट्स कंटिन्यू. कल हम फिर क्वेश्चंस वगैरह करते हैं इसके ऊपर. ठीक है, जस्ट द लीश आटला प्रिंसिपल. ओके एवरीवन, ठीक है, अल्लाह हाफिज़.